हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप सॉफ्टवेयर का काम करते हैं तो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके लैपटॉप में बहुत ही ज़रूरी हैं कि वो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होने चाहिए। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला सॉफ्टवेयर है जिसे कहते हैं IDM, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जब भी हम कोई फाइल नेट से डाउनलोड करते हैं तो वो हाई स्पीड जो है से डाउनलोड होती है। वैसे अगर हम नॉर्मली डाउनलोड करेंगे गूगल के थ्रू तो जो है स्पीड उसकी बहुत स्लो मिलती है हमको। तो आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे आना है और यहाँ पे लिखना है IDM, इंटर करना है। तो पहले ही लिंक आया जो उस पर हमको क्लिक करना है। ओके, इसके बाद यहाँ लिखा डाउनलोड इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, तो यहाँ पे आपको करना क्लिक करना है। उसी 7 MB का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तुरंत देखो यहाँ लेफ्ट साइड में डाउनलोड प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया जाके। तो ये सॉफ्टवेयर जो होता है वो 1 महीने के लिए फ्री होता है। इसका आप इसको परचेज कर सकते हो या फिर बहुत सारे समझ सकते हो, आप यूट्यूब पे वीडियो पढ़े हैं इसको क्राई क्राई करने के, आप उसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये आपके कंप्यूटर में बहुत ही ज़रूरी है, ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना। ओके, अगर आप सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है .NET Framework। ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे टूल हैं कि वो ओपन ही नहीं होंगे जब तक आपके कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे .NET Framework का इंस्टॉल नहीं होगा सॉफ्टवेयर। यहाँ पे टाइप करना, गूगल पे सर्च करोगे पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है आपको। ओके, यहाँ पे इसके वर्जन दिए गए हैं। ओके, जो आपके MML वर्जन सपोर्टेड हुए, कुछ पुराने हैं जैसे .NET 4.0, जो लेटेस्ट है आप लेटेस्ट को ट्राई करिए। तो इसका है वर्जन 4.8, रिकमेंडेड लिखा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको क्लिक कर डाउनलोड पे क्लिक किया तो कैसे यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया जाके। नेक्स्ट, इसको आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ओके, नेक्स्ट है विनरार, गूगल में आपको टैप करना है विनरार डाउनलोड। ओके, डाउनलोड पे क्लिक किया, पहला लिंक आ गया जो उस पर हमें क्लिक करना है। स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहां पर दिए गए हैं वर्जन इसके 32 बिट और 64 बिट, इसके हिसाब से आपको डाउनलोड करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सिस्टम है लैपटॉप जो है वो 32 बिट उसके अंदर इंस्टॉल है विंडो या 64 बिट। तो आपको कैसे चेक करोगे, आप इसको मिनिमाइज करते हैं, कंप्यूटर पे आना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर दिखा है सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हमें जो सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज़ करना है वो 64 बिट का होना चाहिए। ओके, तो हम 64 बिट वाले पे, इंग्लिश वाले पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो ये डाउनलोड प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गई है। डाउनलोड्स, तो तीनों सॉफ्टवेयर IDM, .NET और विनरार। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो है 7-Zip, गूगल पे आके टाइप करना 7-Zip और इंटर कर देना है। पहला लिंक पे हमें क्लिक करने, पहले वाले पे। यहाँ पर दो लिंक दिए गए हैं 32 बिट और 64 बिट, तो हमारा सिस्टम जो है 64 बिट का है। तो सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करते ही ये डाउनलोड होने लगा। तो ये 4 सॉफ्टवेयर हैं, आप सॉफ्टवेयर का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। 7-Zip का क्या यूज है, हम लोग जो जिप फाइलें होती डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि अनजिप करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। इसके बाद ये सारे सॉफ्टवेयर हमें क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद तब हम इनको यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं परफेक्ट तरीके से, एक छोटी से छोटी चीज़ मतलब परफेक्ट तरीके से, तो आप मेरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, FutureNet इंस्टीट्यूट कानपुर। यहाँ पर हॉस्टल की जोड़ के बाहर चाहते हैं उनके लिए हॉस्टल की भी सुविधा है, सारी व्यवस्थाएं अगर आप आके सीखना चाहते हैं। और फीस की बात करें तो मेरे यहाँ फीस जो है बहुत कम है, जिस हिसाब से हम लोग सिखाते हैं प्रैक्टिकली। ओके, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बस क्या करना है, इनको आपको अभी
सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। सो ऑल फोल्डर, और इसके बाद आपको डबल क्लिक करके, जैसे आईडिया में यस करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करना सब लोगों को आता ही होगा, ये नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, इस तरीके से फिनिश। इसके बाद 7-zip, यस इंस्टॉल हो गया। .NET इसको भी कर लेना है। तो सारे सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका जो सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर के लिए इजबल हो जाएगा अच्छे तरीके से। ओके, तो बस आज का वीडियो इतना ही है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो था। कई लोगों ने पूछा कि हमसे कि ये टूल्स जो है सर वो ओपन नहीं होते हैं, जैसे क्यूफिल का क्वालकॉम सीपीयू वाला टूल जो है ओपन नहीं होता है, उसमें एरर आने लगती है, तो वहाँ पे .NET का सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल होना चाहिए आपके कंप्यूटर पे। ओके,